दिवाली का त्यौहार धनतेरस की पूजा से आरंभ होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पर लोग नए बर्तन, नया सामान खरीदते हैं। धनतेरस पर विशेष तौर से भगवान धन्वंतरी की पूजा का प्रावधान है। ये देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। इनकी पूजा करने से शरीर के रोग नष्ट होते हैं। धनतेरस में माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने पर आरोग्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। पूरे साल घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से बरकत होती है। चलिए जानते हैं धनतेरस में पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। धनतेरस पूजन सामग्री: लक्ष्मी गणेश के चांदी के सिक्के, पूजा की सुपारी 5, माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए 21 कमल गट्टे, प्रसाद के लिए मिष्ठान पीले और सफेद रंग की मिठाई, पान के पत्ते कटे फटे ना हो, लौंग कपूर, रोलिंग और अक्षत फूलमाला। फलों में शरीफा सबसे उत्तम रहता है। नारियल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए गंगा जल, कुछ पैसों के सिक्के, धूप दीप, चंदन, हल्दी, शहद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।